Good evening everyone. Good evening guys. Very good evening to all of you and welcome back to Study Mantra. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में. गुड इवनिंग एवरीवन. सो कैसे हैं आप सब लोग? आपको एक बहुत ही थ्योरेटिक हाँ जी लाइव आ जाएंगे गाइस सब लोग. फटाफट से फिर शुरू करते हैं आज का सेशन. और आज माफी चाहती हूँ कि आज वाली क्लास मॉर्निंग में नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस क्लास नहीं लग पाई थी. दैट्स वाई क्लास जो है वो आपकी इवनिंग में है. और फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे सारे बच्चों के साथ में ताकि सब लोग हमारे साथ में कनेक्ट हो सके. ठीक है, अपने सभी ग्रुप्स में जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और आ जाओ सब लोग फटाफट से लाइव. ठीक है, रेडी सब लोग? हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त बिंदास होंगे और इसी उम्मीद के साथ में हम करने जा रहे हैं आज के सेशन की शुरुआत. सो वीकली करंट अफेयर्स रहेगा. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम वीकली सेशन करने वाले, पूरे वीक जो भी पढ़ा है उसका क्विक रिविजन लेंगे इस एक घंटे की क्लास में हम लोग. ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, आप लोगों के कमेंट्स में लेती रहूंगी गाइस, डोंट वरी, कमेंट्स में लेती रहूंगी आप लोगों की. ज्ञानी भाई लव यू टू ऑल गाइज. रितु गुड इवनिंग. एन के गुर्जर गुड इवनिंग. शहबाज आलम गुड इवनिंग. गुड इवनिंग कविता बोरा, वेरी गुड इवनिंग. चलो शुरू करते हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाल ही में इसरो के रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के किन दो जिलों में लैंडस्लाइडिंग के सबसे अधिक जोखिम है? लैंडस्लाइडिंग जो भूस्खलन होता है, ये सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ होता है? जो पहाड़ी एरिया होता है, जैसे जहां पर ज्यादा पहाड़, जैसे कि आपका जो उत्तराखंड वाला एरिया होगा और जहां जहां पर पहाड़ होते हैं जैसे सिक्किम वाला एरिया हो गया, तो इन जगहों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा ज्यादा रहता है. इसरो के सैटेलाइट्स ने तो यहाँ पर कुछ डाटा रिलीज किया है जिसके अकॉर्डिंग बताया है कि दो ऐसी जगह है, टेहरी और रुद्रप्रयाग, ये दोनों जगह आपको उत्तराखंड में मिलती हैं. यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, भूस्खलन का सबसे ज्यादा. तो ये जो रिपोर्ट रिलीज करी है किसने? इसरो ने. इसरो के सैटेलाइट ने निगरानी रखी और यहाँ पर बताया है कि 1998 से लेकर 2022 के बीच में 80,000 से भी अधिक लैंडस्लाइडिंग का डेटाबेस बनाने के लिए इसरो ने 147 जिलों को यहाँ पे रैंक किया है, जिसमें ये जो दो जिले हैं टेहरी और रुद्रप्रयाग सबसे ज्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है, सबसे ज्यादा खतरा है यहाँ पर. ठीक है, जो हिमालय क्षेत्र हो गया. वहीं कुछ अन्य हिस्सों की बात करेंगे, केरल का मलप्पुरम, त्रिशूर जिला, पलक्कड़, कोझिकोड हो गया, जम्मू कश्मीर में राजौरी, पूंछ हो गया, दक्षिण पूर्वी सिक्किम हो गया. ये देश के वो प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइडिंग का खतरा रहता है. ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने दी है? इसरो ने दी है. और इसरो के बारे में आप सभी जानते ही होंगे. इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की जाती है. हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है. एस सोमनाथ हैं जो प्रेजेंट टाइम पर इसरो के हेड है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दैट इज, देखो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2026 तक भारत का डिजिटल भुगतान जो है वो कितना बढ़ने की संभावना है? तो ये हो जाएगा 10 ट्रिलियन डॉलर, जो कि 3 से बढ़कर के 10 होगा. तो ऑलमोस्ट ये 3 गुना, उससे भी ज्यादा हो गया है ना, 3 गुना से ज्यादा हो गया. मिस्टर स्विन, ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्लास ले लीजिए, अभी ये वाली क्लास ले लीजिए आप. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम उसको बाद में देखेंगे. हाँ, क्लास रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आप अभी पूछ सकते हैं, बाकी तो मैं नहीं जानती भाई. ठीक है, 10 बिल्कुल सही आंसर है. 10 ट्रिलियन सॉरी हाँ डॉलर ये हो चुका है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड, इसके लेखक पूछा जा रहा है कि कौन है? Who is the author of the recently published book As Good As My Word? किसके द्वारा ये लिखी गई बुक है? आंसर बताएंगे। के एम चिन्ना स्वामी है, के एम चंद्रशेखर है, के एल राहुल है या फिर शशि थरूर है। ये इस बुक को किसने लिखा है, कौन बताएगा सही आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग मोहन सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। एंड संजय नमस्ते, नमस्ते सबको नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम, शाम शाम। सोच सोच के क्लास में आते हैं, है ना। चलो, जिन्होंने आंसर किया है के एम चंद्रशेखर, बिल्कुल सही आंसर। के एम चंद्रशेखर की बुक है एज गुड एज माई वर्ड। तो बस ये बुक आपको याद रखनी है किसकी है। ये कैबिनेट सचिव रह चुके 2007 से 11। हाल ही में किस राज्य में चौथी महिला नीति पेश की गई है, पेश होगी, चौथी महिला नीति पेश होगी जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के काम किए जाएंगे। 18 साल तक की जो लड़कियां हैं उनके लिए अनाथालय में अलग से आवास गृह और बनाए जाएंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए महीने में हर सोमवार को दरबार लगेगा, जनता दरबार, जहां महिलाओं की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। जो भी नई सड़क बनेगी, ठीक है, नई सड़क बनेगी उसमें हर 50 किलोमीटर के बाद में टॉयलेट बनाए जाएंगे, महिलाओं के लिए रहेंगे जो कि। तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर रोजगार भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीजें की जा रही है। तो ये 4th पॉलिसी है जो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है कौन सा स्टेट, महाराष्ट्र करने जा रहा है। कौन है महाराष्ट्र के सीएम की अगर बात करते हैं तो ये एकनाथ शिंदे बनकर आए थे। और यहीं पर अगर मैं गवर्नर आपसे पूछूं तो नए गवर्नर बनकर आए हैं अभी, कौन है, रमेश बैस। कौन है भाई, रमेश बैस, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है सबको, बताओ इतनी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ लिया जाए नेक्स्ट। हाँ जी, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, 1 लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन का सिर्फ आंसर याद रखना है और कोई रामायण नहीं याद रखनी है। तो रोहित जावा है, यहाँ पर रोहित जावा है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। और इस कंपनी की स्थापना 1933 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है कहां पर, मुंबई के अंदर। इज इट ओके, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने, ये HAL है हमारे कंटेंट मैनेजर भावनाओं में डूबते हुए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने डोर्नियर विमान खरीदने की योजना है। ये एक एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में कि डोर्नियर विमान खरीदे जा रहे। तो ये संख्या में कितने खरीदे जा रहे हैं, आंसर हो जाएगा आपका 6। इसको खरीदने में टोटल कितनी लागत आएगी, 667 करोड़, 667 करोड़ रुपए की लागत से ये विमान खरीदे जा रहे। अच्छा, हरियाणा वालों की हिंदी बहुत अच्छी होती है। 67 समझ में आ रहा है ना, ये कितना होता है, चलो बताओ जरा ये कितना होता है हिंदी में, ये और ये बताओ। हाँ चलो, बीच बीच में कुछ चटपटे क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए ना, मजा आता है। ओके सो ये जो डॉर्नियर विमान है इनका यूज कहाँ किया जाएगा। देखो, इससे पहले भी इंडियन एयरफोर्स ने रोड ट्रांसपोर्ट रोल कम्युनिकेशन ड्यूटी के लिए इसका यूज किया था। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स जो है परिवहन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए भी किया गया है। जो पायलट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी इसका यूज किया जा चुका है। इज इट ओके, मतलब 79 को 79 ही लिख दिया, उसको वैसे लिखो, हिंदी में लिखो, उसको क्या कहेंगे, 79 कहेंगे, 89 कहेंगे, 85 कहेंगे, क्या कहेंगे वो लिखो। 79, ये रितु ने सही लिखा, बिल्कुल 79 कहेंगे। क्या बात है, मतलब हरियाणा वाले मैडम हल्के में ना लेना हमको, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो, भारतीय सेना की पहली महिला कमांडर जो है ये कौन बन गई है। हाँ जी, इंडियन आर्मी की पहली महिला कमांडर, दैट्स वाई क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ जल्दी से कौन बन गई है, रितु, संजय, एन की, अनूप, राहुल, संध्या, आंसर करो भाई जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर। कर्नल गीता राणा, ठीक है, कर्नल गीता राणा है जिनको इंडियन आर्मी में पहली महिला कमांडर बनाया गया है। ये जो है कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल है गीता राणा। तो अब लद्दाख वाला जो क्षेत्र है चाइना के साथ लगता हुआ, वहां पर एक फील्ड कार्यशाला की कमान संभालेंगी और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बन चुकी है। ठीक है, इतने से चीज आपको याद रखनी है। चलो ऐसे ही याद रखना, सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन थी? शिवा चौहान। और भूटान के दंतक प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट की जाने वाली पहली महिला कौन थी? सुरभि जखमोला थी। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में मनाया गया याओशांग फेस्टिवल, यह कौन से स्टेट में मनाया जाता है? हाँ जी, याओशांग फेस्टिवल जो है यह कौन से राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर ये असम में मनाया जाता है? हाँ जी राहुल कुमार, बिल्कुल क्लास डेली होती है और डेली होगी। आज कुछ कारण था जिस वजह से क्लास को पोस्टपोन किया गया, अदरवाइज ये वाली क्लास सुबह होती है 7 बजे। ठीक है, चलिए तो देखो भाई, याओशांग फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया गया? आपका मणिपुर में। मणिपुर में होता है आपका जैसे कि कुट फेस्टिवल मनाया जाता है, लाई हरोबा यहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट होता है। अच्छा प्लीज, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। इतना से काम कर दिया करो। सुनील सर की क्लास में तो इतने सारे बच्चे तुम लोग आते हो, मेरी क्लास में तुम लोगों को क्या सांप सूंघ जाता है? हाँ बताओ, कोई भी आपको डाउट है, कोई आप चेंजेस करवाना चाहते हो क्लास में, मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सलाह दे सकते हो। कमेंट सेक्शन में कुछ ऐड करवाना चाहो तो आप कह सकते हो कि मैम आप इस तरीके से करवाइए। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं 3 साल से पेपर एनालिसिस करा रही हूँ, मेरे क्लास नोट से बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, जब आप एग्जाम दोगे तो आपको खुद इस चीज का रियलाइजेशन होगा। बस बशर्ते क्लास आप पूरी लो, स्टैटिक जीके वाले भी और करंट अफेयर वाले भी। चलो भाई नेक्स्ट देखो, कुवैत के फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। चलिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें नया नाम नहीं याद रखना पड़ेगा, वही है फिर से अपॉइंट की गई। नाम क्या है? शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा नाम है इनका। इनके घर वाले इनको पता नहीं किस नाम से बुलाते होंगे, हम तो आलस में बुलाएंगे ही नहीं, किसी और को बुला लेंगे, है ना। अच्छा ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, हैथम अल गहस की बात करते हैं, ये भी कुवैत से बिलोंग करते हैं और अभी जो है इनको अपैक का सचिव अपॉइंट किया गया था। ठीक है, मोहम्मद शाहबुद्दीन की बात करते हैं, इन्हें बांग्लादेश के अंदर प्रेसिडेंट बनाया गया है। शेख मोहम्मद की बात करेंगे तो ये जो है, ये आप मुझे बताओ कहां पर बने हैं ये प्रेसिडेंट, फटाफट से शेख मोहम्मद, जल्दी आंसर करेंगे। सचिन आनंद, थोड़ा तमीज से बात करो क्लास में, आप टीचर से बात कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा तमीज सीखो। कल क्लास होगी 8:30 बजे, यूट्यूब पे लगी हुई है, जाकर के चेक कर लो। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोट्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मतलब कुछ लोग ना अपनी बेइज्जती करवाते हैं और कुछ नहीं है, बस ऐसी बातें करके ये दिखाते हैं कि हमको ना तो तमीज है ना हम कुछ अच्छा बोलना जानते हैं किसी के लिए। तो अपना जो दृष्टिकोण है ना उसको बदलो। अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हो तो सबसे पहले ऑफिसर वाली सोच, वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। एक चपड़ासी का एटीट्यूड लेकर के कोई भी इंसान आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूं, यहां पर मैं किसी भी बच्चे को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूं। ठीक है, अपने ऊपर कोई भी ना ले, ये सिर्फ एक ऐसी चीज मैं आपको बता रही हूं कि आप जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो पहले वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, समझ रहे हो? ठीक है ना। हाँ, एक ओरा क्रिएट होता है हमारे चारों तरफ, सिर्फ किताबी पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। आप देखो बहुत सारे लोग पढ़ाई करते, 4.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे अभी एक एग्जाम के लिए, लेकिन वैकेंसीज कितनी होती है? 10 से 15 हजार। और इसमें से लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जो कट ऑफ क्लियर कर देते हैं, जिनके 80% मार्क्स होते हैं, लेकिन वैकेंसीज तो 15 हजार है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है। हर चीज होनी चाहिए आपके पास में, सिर्फ किताबी उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी बताओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्या हुआ था, अभी असम के अंदर मनाया गया है। ठीक है, असम के अंदर मनाया गया है और ये जो फेस्टिवल है ना, ये एक्चुअली 24 नवंबर को एक जयंती आती है, अहोम वंश की है, जनरल लचित बोरफुकन। ठीक है, तो ये असम की बहुत फेमस है, इन्होंने लोगों के लिए काफी काम किया यहाँ पर। तो इनकी जयंती 24 नवंबर को आती है, तो एक फेस्टिवल सा मनाया गया और लोगों से अपील की गई कि आप सभी इनके बारे में कुछ शब्द लिखिए। ठीक है, तो लोगों ने बड़ी संख्या में लिखना शुरू किया और जो नोट्स हस्तलिखित जो लिखे गए हैं 42,94,350 हस्तलिखित नोट्स लिखे गए और एक पोर्टल पर अपलोड किए गए थे। तो ये आज तक का सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड रहा है। तो इसी वजह से इस फेस्टिवल का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, हाँ जी, समझ आए यहां तक सभी को? ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, हाल ही में बिमटेक की बिम्सटेक होगा यहाँ पर गाइस, ठीक है, ये बिम्सटेक हो गई। हमारे कंटेंट मैनेजर को आज बात करनी पड़ेगी, पता नहीं कौन सी भावनाओं में बहते बहते कंटेंट बनाते हैं ये भी। 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? बिम्सटेक जो है आपका बे ऑफ बंगाल की आसपास की जो कंट्रीज है वो इसकी मेंबर कंट्रीज है, 7 इसके अंदर मेंबर कंट्रीज है। अभी इसकी जो 19वीं बैठक है ये थाईलैंड के अंदर कहां पर हुई है? थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। इज इट ओके? बिल्कुल सही है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, यहीं पर थॉमस कप का आयोजन हुआ था 2022 वाला और उबर कप का आयोजन हुआ था। दोनों का आयोजन, ये दोनों कप बैडमिंटन में दिए जाते हैं। थॉमस कप को इंडिया ने जीता था और इसको साउथ कोरिया ने जीता था। ये चाइना को हरा के जीता और इंडिया ने ये इंडोनेशिया को हरा के जीता था। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है यहां पर सभी को? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर्स आपूर्ति श्रृंखला समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखो हम सभी जानते हैं, मैंने काफी बार आपको पहले भी बताया है ना कि सेमीकंडक्टर्स, ये काफी बार न्यूज आ चुकी है। हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन नहीं होता था, हम ये पूरा का पूरा जो है क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे, बाहर के देशों से मंगवाते थे। लेकिन अभी हमारे देश में भी इसका प्रोडक्शन होना शुरू हो चुका है। लास्ट ईयर ही हमने ताइवान के साथ में एग्रीमेंट किया था, इसके लिए सेमीकंडक्टर्स के लिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ताइवान के ऊपर जो है ना चाइना वन चाइना पॉलिसी थोपता है, जिसके चलते हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है ताइवान के साथ में ट्रेड करना। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ताइवान ही करता है सेमीकंडक्टर्स का, यूएसए 10% ही करता है, चाइना भी इसका प्रोडक्शन करता है, जो भी अरब कंट्रीज हैं वो भी इसका प्रोडक्शन करती हैं सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, तो अभी हमने यूएसए के साथ में एक समझौता किया है कि हम मिलकर सेमीकंडक्टर्स और चिप्स जो होती है उनका इतना प्रोडक्शन करेंगे कि हमें चाइना के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। चाइना पर से अपनी निर्भरता को खत्म करना है तो मिलकर काम करेंगे, सेमीकंडक्टर्स और चिप्स का प्रोडक्शन करेंगे। दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसरों को खोला गया। सहयोग पर चर्चा करने के लिए 10 मार्च को ये भारत और अमेरिका के बीच में फिर से वार्तालाप शुरू हुई थी। ठीक है, हाँ जी, पॉइंट्स क्लियर है सभी को यहां तक? ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है? जिसने इसका आंसर नहीं किया या गलत किया वो आज की क्लास का चिरकुट बनेगा। तो चलो देखते हैं जरा कौन करता है गलत आंसर। मेरी नजरें कमेंट सेक्शन पे है सीधा। अच्छा मैडम, कंटेंट मैनेजर को हमारी नमस्ते बोलना। ठीक है, जब आपकी नमस्ते बोली जाएगी तो वो समझेंगे लगता है कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए मैडम के बच्चे हमें नमस्ते बोल रहे हैं, और फिर वो और अच्छा काम करेंगे। समझ लेना फिर इस बात को, वो और अच्छा काम। अभी तो बिम्सटेक को बिमटेक बनाया है, फिर वो कुछ और ही बना देंगे। ठीक है, ओके, बी आंसर आ रहा है यहाँ पर, करेक्ट है। तो भाई कर्नाटका के अंदर हुबली में हुबली प्लेटफॉर्म था, इसी का नाम सिद्धरूदा स्वामी जी के नाम पे रखा गया है। श्री सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन है, ये बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा। इसके अगर मैं लेंथ की बात करती हूँ 1500 मीटर। इससे पहले कौन सा था? गोरखपुर का था, इससे पहले 1366 मीटर था। ठीक है, इससे पहले गोरखपुर का था 1366 मीटर। दिखाई दे रहा है? मैंने शायद मेरा पीछे लिख दिया है, मैंने ये देखो यहां लिख देते हैं। इसका है 1500 मीटर और गोरखपुर वाले का है 1366 मीटर। अब दिखाई दे रहा है सबको? चलो, तो ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आप इसको कहेंगे, कर्नाटका के हुबली में। ओके नेक्स्ट, हाँ जी, हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश के अंदर स्थित है ये बताना है आपको। माउंट मेरापी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है, जापान, इंडोनेशिया, आइसलैंड या फिर टर्की में हुआ है। आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा, हनुमान चिरकुट है, हनुमान का गलत था। अच्छा, नाम तो आपने हनुमान रखा है तो हम आपको ये उपाधि नहीं दे सकते हैं, है ना। मैम ये प्लेटफॉर्म कहाँ है बेटे, कर्नाटका के हुबली में है ये प्लेटफॉर्म, आपको जाना है घूमने, कर्नाटका के हुबली में ये प्लेटफॉर्म है। हुबली प्लेटफॉर्म था इसका नाम, रेलवे स्टेशन था, फिर स्वामी सिद्धरूदा जी के नाम पे रखा गया है इस प्लेटफॉर्म का नाम, ठीक है, चलो स्टेशन का नाम, सॉरी। हाँ ओके, सो माउंट मेरापी की बात करते हैं, यह सक्रिय ज्वालामुखी, अभी इंडोनेशिया में इसमें विस्फोट हुआ है, काफी लोग इसमें मारे गए हैं। 1930 में पहली बार इसमें विस्फोट हुआ था, इसमें काफी लोग तब भी मारे गए थे और तब से लगातार इसके अंदर विस्फोट हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर जगह है ये कहां पर आती है, इसके लोकेशन है रिंग ऑफ फायर के अंदर। यहाँ पर जो भी कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, ये आपको पैसिफिक ओशियन में मिलती है ये जगह, पैसिफिक ओशियन में आपको मिलती है। ओके चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हाँ जी, क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल संपत्ति पर निगरानी के लिए सरकार ने किस अधिनियम में संशोधन किया है। हाँ जी, देखो क्रिप्टो करेंसी और इसके अलावा कोई भी डिजिटल आपके जो भी डिजिटल कोई भी आपकी संपत्ति है, असेट्स हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने एक संशोधन किया है, कौन से अधिनियम में किया है, PML एक्ट 2002 में समझौता किया, किसमें, PML एक्ट 2002 में समझौता किया है, ठीक है। हाँ जी, तो अभी क्या होगा, देखो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्या है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है डिजिटल उसका यूज करके, तो उन चीजों से बचने के लिए सरकार क्या है, निगरानी रखेगी, उसके लिए क्या है, यहाँ पर एक अधिनियम में संशोधन किया गया, PMAL में संशोधन किया गया यहाँ पर। इज इट ओके, 2002 ये जो एक्ट है आपका, इसके अंदर क्या किया गया, समझौता किया, सॉरी PMAL की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके अंदर संशोधन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, 32वां व्यास सम्मान किसे दिया, हर साथ में आपको 31वां भी बताना है ये किसे दिया गया है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से जल्दी से। देखो व्यास सम्मान की बात करते हैं, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, व्यास सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, बिहारी पुरस्कार हो गया, जो बिहारी पुरस्कार है ये राजस्थान के लेखक को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, और फिर दूसरे नंबर पे व्यास सम्मान आता है, ठीक है। व्यास सम्मान में जो प्राइज मनी दिया जाता है वो 15 लाख रुपए होता है, तो हाल ही में ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, किसको मिला है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। और इससे पहले जो 31वां व्यास सम्मान दिया गया था वो किसको मिला था, असगर वजाहत को मिला था, ठीक है ना, इससे पहले असगर वजाहत को मिला था, अभी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को इनकी रचना है पागल खाना, उसके लिए दिया गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया। हाँ जी बताइए, आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा, किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है 2023 में, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी या फिर कोलंबिया के साथ में। करेक्ट आंसर क्या है, सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करते चले बिना किसी कंजूसी के, सारी कंजूसी तो आप लोगों को बस मेरी ही क्लास में करनी होती है ना, मेरी ही क्लास में आप लोगों को सारी कंजूसी करनी रहती है। चलो देखो आंसर हो जाएगा फ्रांस। समुद्री साझेदारी अभ्यास है, समुद्री जो सुरक्षा है उसको और मजबूत बनाने के लिए एक एक्सरसाइज है जो हमने करा है फ्रांस के साथ में। फ्रांस के साथ में हमने वरुण एक्सरसाइज भी करते हैं, हम गरुड़ एक्सरसाइज करते हैं, एक शक्ति एक्सरसाइज करते हैं और एक हम करते हैं डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। और ठीक है, और एक लेटेस्ट बताओ अभी कौन सी करी थी हमने, लेटेस्ट फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट करी थी हमने किसके साथ में, फ्रांस के साथ में। इज इट ओके? हाँ जी, पॉइंट्स क्लियर है सबको? चलो, तो ये एक नेवल एक्सरसाइज थी जिसके अंदर आईएनएस सह्याद्री ने भी पार्टिसिपेट किया था। बुमचू उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? बुमचू उत्सव मनाया जाता है कौन से राज्य में? जो हाल ही में मनाया गया है। जब होली आती है ना, तो उसी टाइम पर यहाँ पर ये 5 डेज का फेस्टिवल रहता है, होली के समय पर 5 डेज का फेस्टिवल। कौन से स्टेट में मनाते हैं बुमचू फेस्टिवल? असम के अंदर। असम में और कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं? तो देखो बीहू, यहाँ का फोक डांस भी है। कली गोपाल हो गया, यहाँ पर बहुत फेमस है। ठीक है, एक हो गया बिछुआ। ये सब फेस्टिवल्स कहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं? असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट देखो, तिब्बती लोग हैं जो कि इसको मनाते हैं। नेक्स्ट, मार्च 2023 में अमेरिका के किस बैंक को बंद कर दिया गया है? हाँ जी, मार्च 2023 में अमेरिका के एक बैंक को बंद कर दिया। 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बैंक डूबने की कगार पे है जिसके चलते उसको बंद करना पड़ा। कोई भी बैंक डूबने की कगार पे आता है यानी कि उसके अंदर जो वित्तीय स्थिति है वो इतनी खराब हो जाती है कि वो कस्टमर्स को भी उनका पैसा नहीं लौटा पाता है। तो ऐसे में उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उस बैंक को बंद कर देता है कि आप आगे कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन वैली बैंक है अमेरिका का जो हाल ही में बंद हुआ है क्योंकि डूब गया है ये बैंक। 2020 के बाद पहला बैंक है डूबने वाला, सिलिकॉन वैली बैंक। ओके, अभी आरबीआई ने हमारे देश के 5 सहकारी बैंकों को बैन किया है, वो ध्यान रखना, और एक तमिलनाडु का बैंक भी बैन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है कि कोई भी भिखारी नहीं दिखना चाहिए इस शहर के अंदर? स्ट्रिक्ट एक पहल शुरू की गई है कि कोई भी भिखारी अगर नजर आता है तो उसको पकड़कर कहां ले जाया जाएगा? जेल में नहीं, आश्रय गृह में ले जाया जाएगा। उनके लिए पूरा ना रहने की व्यवस्था बनाई है, उनको पकड़ के वहां लेकर जाना कि आप यहाँ रहिए, ठीक है, काम कीजिए और यहाँ रहिए। तो इसके लिए एक जो है बस लगाई गई है और एम्बुलेंस भी लगाई गई है जो इन लोगों को पकड़ के इनके स्थान पर ले जाने का काम करेंगी। तो जो नागपुर नाम का शहर महाराष्ट्र में है जिसे हम ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं, यह है ऑरेंज सिटी, यहीं पर यह पहल शुरू हुई। इससे पहले ये मुंबई में भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जिसने भिखारी मुक्त योजना शुरू करी थी? राजस्थान। इसमें जो भिखारी लोग हैं उनको रोजगार दिया जा रहा था। क्या मैम, हमें तो मिल ना रहा रोजगार, भिखारियों को रोजगार दिया जा रहा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। तो राजस्थान ने करी थी ऐसी योजना। अशोक गहलोत यहाँ पर सीएम है, इन्होंने कहा था कि जितने भी भिखारी हैं उनको चाहे छोटा ही सही लेकिन कोई ना कोई रोजगार देंगे ताकि वो भीख मांगना बंद करे। देखो किसी भी शहर की ना रेपुटेशन खराब होती है इस चीज से, जहां पर ज्यादा भिखारी होते हैं तो वहां पर उस चीज की रेपुटेशन, लोग आलसी होते हैं, उनको देख देख करके भी उनकी कैटेगरी के लोग भी कटोरा लेके शुरू हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? हाँ जी। अच्छा, मेरे साथ एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, एक छोटी सी बच्ची, ठीक है, जो पैसे मांग रही थी, तो ट्रैफिक में हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। तो मैंने उस लड़की से ऐसे जनरली पूछा, मेरे पास भी थोड़ा टाइम था क्योंकि रेड लाइट हो रखी थी, तो मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा आप इतने छोटे हो, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? गवर्नमेंट स्कूल में तो एजुकेशन फ्री होती है, आपको वहां सब कुछ फ्री मिलेगा, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? तो बोलती है कि नहीं पढ़ना। मैंने कहा आपको पढ़ना है तो देखो मैं आपकी मदद कर दूंगी, स्कूल जाओगे? बोलती नहीं जाना, पढ़ना ही नहीं, पैसे मांगने हैं। तो मतलब लोगों की ना आदत हो चुकी है, उनको अगर आप कुछ अच्छा दोगे, आप चाहे उनको कोई काम करने के लिए दोगे तो भी वो मना कर देंगे। आप उनको खाना भी देने की कोशिश करोगे तो भी वो मना कर देंगे, है ना। आप उनको एक अच्छी जैसे स्कूल में डाल देना, कुछ आप हेल्प करोगे तो भी उनको पैसे ही चाहिए होते। और कभी भी मेरी बात याद रखिएगा, कभी भी पैसे से किसी भी भिखारी की मदद करने की कोशिश मत करना। बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, नहीं देना, आप उनको खाना खिलाइए, ठीक है, जिस तरीके से हेल्प कर सकते हो वो कीजिए, लेकिन कभी भी पैसा मत दीजिए, क्योंकि पैसा देने से उन लोगों की आदतें खराब होती है। ये लोग नशा करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ जरूरतमंद लोग होते हैं, वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो हट्टे कट्टे लोग आप देखते हो कटोरा लेके जो भीख मांगते हो, उनको कभी पैसा नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलो, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। हाँ, वो पैसे ही मांगते हैं, बिल्कुल सही कहा, वो पैसे ही मांगते हैं। एक बार एक लेडी थी, वो बिल्कुल सही थी, मतलब ना तो बीमार थी, जवान थी, उसके हाथ पैर सब सही सलामत थे, तो वो मेरे पीछे पड़ गई थी कि मैम दे दो पैसे रो। तो मैंने इससे बोला, मैंने कहा भाई आप हट्टे कट्टे हो, जवान हो, कुछ काम क्यों नहीं करते हो। तो शी वॉज लाइक चल हट अपना काम कर। तो आई वॉज शॉक्ड कि इन लोगों में एटीट्यूड भी कितना होता है। जब पैसे अगर मांगने की बारी आती है तो दे वर वेरी पोलाइटली आस्क्ड टू वेरी पोलाइटली कि मैम प्लीज, है ना, ऐसे बोलते हैं। और जब कोई इनको सिखाने की कोशिश करता है तो ये लोग बहुत एंग्री हो जाते हैं कि नहीं चलो हटो अपना काम करो। तो भाई हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, है ना। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह जो है, इसके आयोजन की बात करते हैं तो कहाँ किया गया, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। जर्मनी के बर्लिन में 2023 में इसका आयोजन हुआ। टीवी, सिनेमा, कमर्शियल, इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल कैटेगरी में अवार्ड्स दिए गए। यहाँ पर इंडिया ने सिल्वर एंड गोल्ड दोनों अवार्ड्स यहाँ पर जीते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया। जो नए बच्चे हैं सोच रहे होंगे मैडम आप तो भगा रहे हो क्वेश्चंस। एक्चुअली ये वीकली रिवीजन है आपका, क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम ये होता है जो डेली वाला सेशन होता है उसमें, यानी कि कल सुबह वाली क्लास में आना आप, ठीक है। वैसे तो कल सुबह भी मैं थोड़ा सा भगाऊंगी क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर्स इकट्ठा हो गया, कल क्लास नहीं हुई थी वो भी बचा हुआ है और आज वाला भी कराना है मुझे, इस वजह से। सो इंटरनेशनल डे का कौन सा 26th एडिशन मनाया गया। रिवर्स को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाते हैं, पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, उस पानी का डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं, सिंचाई करने के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए। तो नेचर के साथ जब छेड़छाड़ बहुत ज्यादा की जाती है तो नेचर का जो गुस्सा फूटता है वो, उसका आप जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो अभी जो सीरिया और तुर्की की जो हालत हुई है जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं, है ना। तो ये जो कारण होते हैं, जो भी भूकंप वगैरह के कारण होते हैं, इसके पीछे का कारण ये भी होता है कि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। रिवर्स को लेकर ये जो डे मनाया जाता है 14 मार्च को हर साल सेलिब्रेट होता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए, इनके रखरखाव का कार्य करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है। मेथनॉल भी आपका जो फ्यूल होता है ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहता है, इससे हानिकारक नहीं होता ये, ठीक है। और जैसे आपका इथेनॉल होता है, अच्छा दोनों में क्या डिफरेंस। इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है, ये गन्ने से बनाया जाता है, जैसे गन्ना हो गया, अनाज हो गया, कसावा का पौधा हो गया, इससे बनता है। और मेथनॉल की बात करेंगे, इसका उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है जिसे सिनगैस के रूप में भी जाना जाता है। सिनगैस का उत्पादन प्राकृतिक गैस, कोयला या बायोमास जैसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है सबको। तो मेथनॉल को गैसोलीन के साथ में मिश्रित किया जाता है और संशोधित इंजन वाले वाहनों में स्टैंड अलोन फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। यह हाई ऑक्टेन रेटिंग होता है जिसका मतलब है यह इंजन के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है और हानिकारक उत्सर्जन को कम करता है। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ठीक है, वो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होते हैं, उनके उत्सर्जन को भी ये क्या करता है, कम करता है। तो पहली बसों का अनावरण किया है यहाँ पर नितिन गडकरी ने, क्योंकि इनके पास में है रोड एंड हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सरसाइज ला पेरोज 2023 का कौन सा एडिशन शुरू हुआ है? ला पेरोज एक्सरसाइज 2023 की बात करते हैं तो हाल ही में जो है इसका कौन सा एडिशन शुरू हुआ है ये आपको बताना। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। 2019 से शुरू हुई थी, इस बार ये इसका थर्ड एडिशन है। ओके, ला पेरोज एक्सरसाइज है, थर्ड इसका एडिशन है। इसके आयोजन की बात करते हैं तो इंडियन ओशियन में किया गया है 13 एंड 14 मार्च 2023 को। फ्रांसीसी नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया। इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया? ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रांस की नेवी, इंडियन नेवी, जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूनाइटेड स्टेट यूएसए की नेवी ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, नादान परिंदे आप तो भावनाओं में बहते बहते उड़ते चले जा रहे हो, आप तो भावनाओं में, हाँ नादान परिंदे उड़ते चले जा रहे हो, बस भी करो। तो ये जो एक्सरसाइज है 2019 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। ठीक है, और अभी जो है इसका ये कौन सा थर्ड एडिशन था, ये बाइनियल एक्सरसाइज। और आपके हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है जो वंदे भारत का संचालन करेगी? अब वंदे भारत की पहली महिला लोको पायलट, उस दिन आप लोगों ने सबने इसका आंसर गलत किया था, आज इसका सही आंसर करेंगे क्योंकि आज ऑप्शंस भी हैं आपके सामने। एक बार पहले मैंने जब ये सवाल पूछा था तो कोई आंसर नहीं कर पाया था। अब बताइए क्या होगा सही आंसर। एंड सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर भी करते हुए चलेंगे सभी बच्चे। बताइए फटाफट से विच इज योर करेक्ट आंसर। ओके, बिल्कुल सही है जिन्होंने ए आंसर किया, सुरेखा यादव, करेक्ट। तो सुरेखा यादव पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी रह चुकी है 1988 में। ठीक है, और अभी वंदे भारत को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट जो कि सोलापुर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक यह वंदे भारत एक्सप्रेस को इन्होंने चलाया है ट्रायल के रूप में, और ये पहली महिला लोको पायलट बन गई है। 8 मार्च को जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे था तभी इसका ट्रायल हुआ था। हाल ही में गांधीवादी युग नामक एक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हाँ जी, गांधीवादी युग के नाम से एक बुक आती है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो इसको रिलीज किसने किया है ये आपको बताना है। चलो भाई आंसर करो फटाफट से। हाँ जी, पूजा किंडू, ऑफिशियल प्रधान, एसके फिटनेस, प्रवीण, नादान परिंदे, संजू कुंडू, आंसर करो जल्दी जल्दी से। ऑप्शंस नहीं पता मैम। ओके, तो देखो भाई आंसर हो जाएगा वी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इस बुक को इन्होंने रिलीज किया है, गांधी जी के ऊपर लिखी गई बुक है, मतलब कि कैसे हमें उनके ही आदर्शों पर चलते हुए हमारे देश में काम करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से लिखा है इसने। मद्रास हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश पी ज्योतिरमण और पचियामा कॉलेज के इतिहास के पूर्व प्रोफेसर जी बालन के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, हाल ही में किस राज्य में 100% महिला कर्मचारियों के साथ ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन को लॉन्च किया है? ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन, देखो यहां पर ट्रकों का प्रोडक्शन किया जाता है जो अशोक लीलैंड कंपनी है। ओके, अशोक लीलैंड कंपनी है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अभी जो इंजन बनाए जाएंगे ट्रकों के, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम रहेगा 100% दिया जाएगा किनको, महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में? तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर ही मिलता है अशोक लीलैंड कंपनी का हेडक्वार्टर। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलता है चेन्नई के अंदर। इसकी स्थापना रघुनंदन सरन ने 7 सितंबर 1948 को की थी। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई के अंदर है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में प्रकाशित नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ भारतीयों की संपत्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हां जी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इनकी वेल्थ रिपोर्ट में? 75%, 88%, 78 या फिर 68% की वृद्धि हुई है। ओके, बिल्कुल सही आंसर है 88% की, करेक्ट है 88। तो ये बेसिकली आपका जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको उसमें लेकर के इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, ठीक है। इसमें से बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति 88% की वृद्धि देखी गई है। इनमें से 35% उत्तरदाताओं ने कहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में अपनी संपत्ति 10% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। आने वाले समय में उत्तरदाताओं की उम्मीद है कि 2023 में भी इसमें वृद्धि जारी रहेगी। 47% लोगों को लगता है कि 10% से ज्यादा वृद्धि होगी, जबकि 53% लोगों को उम्मीद है कि पिछले साल की तुलना में कम से कम 10% की वृद्धि होगी। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे एमडी सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है? टेक महिंद्रा ने अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अपॉइंट किए हैं किन्हीं? एस एस दुबे, ये हमारे बने हैं कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, 28वें नंबर के सीजीए बनाए गए इनको। मोहित जोशी इज योर करेक्ट आंसर। ये टेक महिंद्रा के एमडी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। ओके संजू मैम, आप बदले बदले लग रहे हो। वो हरियाणवी गाना है ना, बदली बदली लागे से तू इबके खावण लागी तेरा आगे पता नहीं मुझे कैसे, मैं हरियाणवी गाने थोड़ा कम सुनती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के क्या कारण है भाई जो मैं बदली बदली लग रही हूँ? हाँ चलो, नॉर्वेजियन पुरस्कार किसने जीता है? हाँ जी, आंसर करो जल्दी से, आगे का गाना नहीं बताना है, आंसर करो। नॉर्वेजियन पुरस्कार किसने जीता है? मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लायबिलिटी, अलाइस बाइलिस्की या फिर ट्रुथ हाउंड्स ने जीता है। ये जीता है ट्रुथ हाउंड्स ने, ठीक है। नॉर्वेजियन पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को दिया गया है, उन सभी को जो कि जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए बहादुरी से काम किया है। रशिया ने जो यूक्रेन को टेक ओवर करने के लिए उसको मिटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसमें डट कर सामना किया यूक्रेन के जिन जिन लोगों ने, उन सभी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ट्रुथ हाउंड्स को ये पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया जाता है कि इस फील्ड में जो मानवाधिकारों की पहचान करते हैं उन लोगों को मिलता है, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। पॉइंट्स क्लियर है सबको? नेक्स्ट, हाल ही में चाइना के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किनका अपॉइंटमेंट किया है? शी जिनपिंग जो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं आपके, ठीक है, और ली कियांगे है जो यहाँ पे प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। ये प्रधानमंत्री चाइना की कैपिटल है बीजिंग, बीजिंग यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी, जहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलता है। ओके हाँ जी, बाकी चाइना के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। चलो, फिलहाल हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, हम आगे बढ़ते हैं सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित किया है? देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये जो टेम्परेचर अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो ग्लेशियर्स पिघलने स्टार्ट हो जाएंगी और जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो डूबने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे तेजी से डूबता हुआ जो शहर नजर आ रहा है वो है जकार्ता। अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक यह समुद्र में नस्तनाबूद हो जाएगा, ये डूब जाएगा। तो इसीलिए पहले से ही तैयारी की जा रही है, जो कैपिटल है वो जकार्ता से ट्रांसफर की जाएगी बोर्नियो। वहां पर सरकारी ऑफिसेज वगैरह बनने स्टार्ट हो गए हैं। जकार्ता पे 10 मिलियन लोग रहते हैं, फिर इन सभी को बोर्नियो पर ही स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा देश है ये? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का ही तो था अभी माउंट मेरापी जो हमने पढ़ा था, जिसमें अभी वॉल्केनिक विस्फोट हुआ था, ठीक है ना। हाँ जी, अच्छा इसका नाम क्या रखा जाएगा बोर्नियो का? इसका जो नाम रखा जाएगा नूसंतारा, ठीक है। इसका नाम जो है ना वो ये रखा जाएगा नूसंतारा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया में सबसे प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत जो है ये कौन से स्थान पे रहा सबसे प्रदूषित देशों की सूची में, ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा 8, 9, 10 या फिर 11 होगा करेक्ट आंसर। ओके जल्दी जल्दी आंसर करें फटाफट से। देखो भाई अभी जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से इंडिया जो है वो 8वें नंबर पे है, ठीक है। टॉप 10 में कौन कौन से हैं आपको बताएंगे, पहले एक बार शहरों की लिस्ट देख लेते हैं। जो टॉप पे जो शहर है वो है पाकिस्तान का लाहौर नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे चाइना का शहर है और तीसरे नंबर पे है राजस्थान का भिवाड़ी, 4th नंबर पे है दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर, ठीक है। और पूरे भारत की बात करते हैं तो 8वें नंबर पे, पहले नंबर पे 4 देश है, फिर है आपका इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, इंडिया, इजिप्ट, ताजिकिस्तान। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं आपकी, टॉप 10 कंट्रीज हैं ये आपकी, ठीक है। चाइना का ये होटन शहर है जो दूसरे नंबर पे, फिर राजस्थान का भिवाड़ी तीसरे नंबर पे और चौथे स्थान पर है दिल्ली आपका, ठीक है। चौथे स्थान पर दिल्ली, बिल्कुल 50 शहरों की रैंक, इसमें से 39 शहर तो जो है वो भारत से ही है, इसमें से 39 शहर तो इंडिया के हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु जीवन बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो किसान जो रेशम का उत्पादन करते हैं, ठीक है, सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, तो उन सभी के लिए बीमा योजना शुरू की जा रही है और ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बना है ये पूछा जा रहा है कौन सा बना है, उत्तराखंड। 200 लोगों को का नाम नॉमिनेट किया है, इनको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई और भी समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा, बीमा दिया जाएगा उनको यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, सो इसका उद्देश्य रेशम के उत्पादन को बढ़ाना है। ऑब्वियसली राज्य में 12,000 से अधिक परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रेशम का उत्पादन करने से प्रभावित है। 6,000 हितधारक सालाना लगभग 300 मीट्रिक टन रेशम फाइब्राइन का उत्पादन करते हैं, तो इसका उत्पादन और बढ़ाना है, इसी के लिए यह बीमा कंपनी ने क्या है, बीमा योजना शुरू करी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the theme of World Consumer Rights Day? जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा करेक्ट आंसर? पहला कौन सा था मैम, किस चीज में पहला कौन सा था? हनुमान कीचड़। प्रदूषण लिस्ट में पाकिस्तान का लाहौर सिटी पहले नंबर पे, ठीक है। तो देखो भाई कंज्यूमर राइट्स डे, ये डे कब मनाते हैं? 15 मार्च को ये हर साल सेलिब्रेट होता है। इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये जो है इसकी थीम रही थी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, LIC का नया MD अपॉइंट किया गया है हाल ही में, किसे अपॉइंट किया है? LIC का नया MD किन्हें बनाया गया है? यस आंसर करेंगे भी फटाफट से, क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके 15 मार्च, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, तुम्हारी गाड़ी अटक क्यों जाती है पता नहीं। तक्ष पांडे और M जगन्नाथ, कौन है? तक्ष पांडे और M जगन्नाथ है जो कि LIC के नए MD बनाए गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है ना। LIC की स्थापना 1956 में होती है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इंटरिम प्रेसिडेंट है सिद्धार्थ मोहांती। इंटरिम प्रेसिडेंट कौन है? सिद्धार्थ मोहांती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किन्हें बनाया गया है? MC मैरी कॉम को, फरहान अख्तर को, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज? हाँ जी, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किन्हें बनाया गया है? इन दोनों को बनाया है, MC मैरी कॉम को और फरहान अख्तर, दोनों को ही एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने कितने वर्षों से अधिक उम्र वाले अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? जो 60 साल से जिनकी ज्यादा है उम्र, उन सभी को यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, उन सभी को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी जो कलाकार है, ठीक है, जो कलाकार है उनको। नेक्स्ट, हाल ही में G20 फूल उत्सव मनाया गया, कौन से राज्य में शुरू हुआ। G20 में देखो, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ठीक है, अगले साल ब्राजील करेगा। तो अभी जो भी मेंबर कंट्रीज हमारे देश में आएंगे तो एक तरह से उनके स्वागत के लिए उनको प्रदर्शन किया जाएगा इस चीज का, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल पौधे फूल वगैरह लगाए गए हैं। तो ये फूल उत्सव कहेंगे आप इसको, दिल्ली के अंदर ये शुरू हुआ है आपका, जो कि 11 मार्च से शुरू है। फूल महोत्सव की मेजबानी दिल्ली की कनॉट प्लाजा में की गई है, ठीक है, दिल्ली के कनॉट प्लाजा में की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में एनडीएमसी के चेयरमैन, एनडीएमसी नेशनल ये एनएमडीसी है, सॉरी NMDC, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा जा रहा है कि किन्हें अपॉइंट किया गया है। हाँ जी, आसान क्वेश्चन है ये, अपॉइंटमेंट में शायद 2-3 बार क्लास में बता चुकी हूँ आपको। मैं रिवीजन इसीलिए करवाती हूँ ताकि चीजें अच्छे से याद हो जाए, लेकिन पता नहीं कौन से सस्ते बादाम खाते हो जो याद ही नहीं होता तुम लोगों को। हाँ, सस्ते बादाम खा रहे हो तुम लोग, याद ही नहीं होती चीजें। अमिताभ मुखर्जी है जो कि यहाँ पर आपके मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। एनएमडीसी की बात करेंगे, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, इसकी स्थापना 1958 में होती है। 1958 में डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी, नासा की भी स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट, CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बना है कौन सा। हाँ जी, आंसर करिए जल्दी से। दुनिया का पहला देश जो CO2 आयात करेगा और उसके बाद उसको समुद्र में क्या कर देगा, दफना देगा। CO2 कब्रिस्तान बनाया जा रहा है यहाँ पर, ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है, क्योंकि CO2 जो होता है वो भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस में ही आता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आप सोचिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, हमें चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वातावरण में CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हम बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे और ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है। तो ये जो देश है डेनमार्क, ये क्या काम करेगा, CO2 को आयात करेगा और उसको समुद्र के अंदर दफना देगा। कौन सा समुद्र, उत्तरी सागर में, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जो है तेल और गैस उत्पादन की पाइपलाइनें हैं, संभावित भंडारण स्थल है, स्टोरेज प्लेसेस है ना उत्तरी सागर के नीचे, तो डेनमार्क वहां पर स्टोर करेगा। 1800 मीटर CO2 को स्टोर करने के लिए परियोजना का उद्घाटन किया है जो विदेशों से आयात की जाएगी। समझ आ रहा है सभी को क्वेश्चन। तो इसके लिए ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये शुरू किया है यहाँ पर। ब्रिटिश रासायनिक दिग्गज इनियोस और जर्मन तेल कंपनी विंटर शेल्डिया के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। इसमें 2030 तक हर साल 8 मिलियन टन CO2 स्टोर करने की उम्मीद बताई जा रही है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती है। यस, हाल ही में इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा किस बैंक के द्वारा मिला है। इरेडा आपका है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसे अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिल गया है। अब फायदा क्या होगा, इसको रिसोर्सेज में हेल्प मिलेगी, अगर पैसा चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्प मिलेगी अब इसको, ठीक है। तो ये किसके द्वारा मिला है ये दर्जा, RBI बैंक ने दिया है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इज इट ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ये निर्यातक नहीं होगा, यहाँ पे आयातक होगा, इसको आयातक करो। सबसे बड़ा जो आयातक देश बन गया है ये है, कौन सा बन गया है ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, क्या होगा। फटाफट से आंसर करो, सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा इंडिया बना है। पूरे वर्ल्ड के 11% जो वेपन्स है, जो हथियार है, वो अकेला भारत खरीदता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में गिरावट दर्ज की गई है, 11% की गिरावट, उसके बावजूद भारत सबसे आगे है आयातक देशों के मामले में। यहीं पर अगर एक्सपोर्टिंग की बात करेंगे, निर्यातक देशों की बात करेंगे, तो इसमें यूएसए नंबर 1 पे है। पूरे विश्व का 40% जो हथियार है वो निर्यात करता है अकेला यूएसए जो है, ठीक है। तो आयातक देशों में सबसे पहले तो आपका आ गया भारत, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पे कतर, 4th पे ऑस्ट्रेलिया एंड 5th पे चाइना। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में अमेरिका नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे है रशिया, और तीसरे नंबर पे फिर आपका हो जाएगा फ्रांस, और फिर है चाइना, और फिर लास्ट में जर्मनी, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है। ओके सो गाइज, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अब आपसे मुलाकात करते हैं हम कल के सेशन में। बस 1-2-4 क्वेश्चंस बच गए हैं जो मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगी, तो उससे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास में सब करवाया हुआ ही है, कुछ नया नहीं है, सब वही है जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। और कल जो क्लास रहेगी वो सुबह रहेगी, कितने बजे आपकी? वही 7 बजे रहेगी, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।